जैसे दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, वैसे ही वही पूरा प्रोसेस अब पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब में एक तरफ स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरू किया गया है भगवंत मान जी द्वारा, और दूसरी तरफ टीचर्स को तैयार करने के लिए उनको विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। परसों 4 फरवरी को पंजाब सरकार के 36 प्रिंसिपल 5 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे और वहाँ पे वो विदेश में जाके ट्रेनिंग लेंगे। 6 फरवरी से 10 फरवरी तक उनकी ट्रेनिंग है 5 दिन की। जब वो लौट के आएंगे, एक एक प्रिंसिपल हमें उम्मीद है कि एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और अपने अपने स्कूल को सुधारने की कोशिश करेगा, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 1,000 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स अभी तक विदेशों में जा चुके हैं और वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने अपने स्कूलों को सुधारा है। जहाँ एक तरफ दिल्ली से सीख के दूसरे राज्य अब अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हम 1,000 से ज़्यादा टीचर्स को अभी तक अलग अलग देशों में भेज चुके हैं। अब इस साल भी हमने अपने बजट में पैसा रखा था टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग पे भेजने के लिए, तो हमने प्लान किया था कि 30 प्रिंसिपल दिसंबर में जाएंगे और 30 प्रिंसिपल मार्च में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब की बार 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 फाइलों के ऊपर बेतुके ऑब्जेक्शंस लगाने की वजह से दिसंबर में ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए टीचर्स, वो कैंसिल हो गई। और अब पिछले कई दिनों से फाइल एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है और अब फिर से ऐसा लगता है कि मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। हमने एलजी साहब के पास 25 अक्टूबर को फाइल भेजी थी पहली बार। 15 दिन फाइल रखने के बाद उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगा के 10 नवंबर को फाइल वापस भेजी। हमने जब वो ऑब्जेक्शन पूरे करके दोबारा फाइल उनके पास भेजी तो 9 जनवरी को उन्होंने 2 और ऑब्जेक्शन लगा के फिर फाइल वापस भेज दी। अब हमने वो भी ऑब्जेक्शन दूर करके 20 जनवरी को दोबारा फाइल उनके पास भेजी है। अभी तक फाइल का कोई अता पता नहीं है। जब मैं और मेरे सारे विधायक एलजी हाउस गए थे, राजनिवास गए थे इसके विरोध में और रिक्वेस्ट करने कि आप फाइल क्लियर कीजिए, तो एलजी साहब के यहाँ से पूरे मीडिया में दिया गया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है टीचर्स के विदेश जाने में, मैं तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अगर वो आपत्ति नहीं कर रहे तो फिर 15 दिन से फाइल उनके दफ्तर में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है, उन्होंने क्यों नहीं क्लियर किया? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून में, संविधान में साफ साफ लिखा है, एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि फाइलें एलजी के पास नहीं जानी चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में भी ये लिखा हुआ है कि गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्र सरकार में लिखा है प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो केंद्र सरकार में भी फाइलें नहीं जाती प्रेसिडेंट के पास, राज्यों में फाइलें नहीं जाती गवर्नर के पास। दिल्ली में भी 2018 में संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऑर्डर किया था कि एलजी के पास फाइलें नहीं जाएंगी, मुख्यमंत्री और मंत्री सारे निर्णय लेंगे और वो निर्णय तुरंत लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने बदमाशी करके और कानून पास कर दिया और कानून में लिखा कि सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। ये कानून बिल्कुल गलत है। अब सारी फाइलें एलजी के पास जाती हैं, हर फाइल के ऊपर एलजी जो है वो दो चार उल्टी सीधी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो ये कानून बिल्कुल गलत है। इसको इस कानून ये कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान पीठ जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने साफ साफ कहा था कि कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमने संविधान पीठ को बताया कि किस तरह से उसके पहले एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा लगा के 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक रोक दिए, ऑब्जेक्शन लगा लगा के 2 साल तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए।
तो संविधान पीठ ने कहा था कि 2018 में 4 जुलाई 2018 का ऑर्डर है कि कोई भी फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी, लेकिन 2021 में इन्होंने संविधान की उल्लंघन करके संविधान के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की हुई है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून को गैर संवैधानिक डिक्लेयर करके इस कानून को रद्द करेंगे ताकि दिल्ली सरकार अपने काम कर सके। इस तरह से हर काम में अड़चन अड़ाना, दिल्ली के लोगों के हर काम में अड़चन अड़ाना, चुनी हुई सरकार के हर काम में अड़चन अड़ाना, ये सही नहीं है। दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम है, जनता के काम है, वो काम होने देना चाहिए और इस तरह से दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक एलजी साहब इसको फाइल को जल्दी क्लियर करेंगे और इसको हमारे टीचर्स को भी विदेश जाने देंगे। सर, पिछले हफ्ते एलजी ने आपको मुख्यमंत्री और सब विधायकों को मिलने का समय दिया था, आप मिल नहीं पाए क्योंकि आप पंजाब में थे, क्या दोबारा? उसके बाद उन्होंने दोबारा नहीं बुलाया। मैंने उसी दिन कहा था कि कोई और टाइम दे दो, मैं पंजाब जा रहा हूँ, मैं हूँ नहीं। उसके बाद उन्होंने कोई दोबारा टाइम नहीं दिया। कल फ्राइडे तो रूटीन मीटिंग है आप लोगों की? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है, अगर कोई काम होगा तो मैं चला जाऊंगा। 6 फरवरी को फिर से एमसीडी का होगा, क्या लगता है कि? ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे कि वो चुनाव होने देंगे नहीं होने देंगे, हर बार वही रोकते हैं चुनाव। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, पिछली बार आप लोग तो थे सारे, आपने देखा कि किस तरह से हमारे वाले, मैंने भी वीडियो देखा था, हमारे वाले बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वही जानबूझ के शोर कर रहे थे उन्होंने जानबूझ के। तो उनको मान लेना चाहिए चुनाव हार गए, जैसे राज्यों में करते हैं, चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी सरकार तो उन्हीं की बनती है, खरीद फरोख्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहे हमारे काउंसलर्स को, तो वो हाउस ही नहीं चलने दे रहे, चुनाव ही नहीं होने दे रहे मेयर के। हम तो चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रहे हैं, जैसे कल परसों भी मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी भेजी एलजी साहब को, कोई चिट्ठी का जवाब नहीं आता, कोई किसी चीज का जवाब नहीं आता, एलजी साहब रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। दिल्ली वाले पौने 2 लाख, देखो पूरे देश से सरकार, केंद्र सरकार इनकम टैक्स इकट्ठा करती है, उस इनकम टैक्स को केंद्र सरकार इकट्ठा करती है लेकिन केंद्र सरकार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसको उसे केंद्र सारे राज्यों में बांटना होता है, इट इज़ अ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो जितना इनकम टैक्स पूरे देश से इकट्ठा होता है उसे सारे राज्यों में बांटना होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है, दिल्ली के लोग देते हैं, 2.25 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल हमने इनकम टैक्स दिया और उसमें से दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए पिछले 20 साल से मिल रहे हैं, हर साल 325 करोड़। तो एक कहते हैं ना कि सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिए, तो दिल्ली तो एक तरह से सोने के अंडे देती है, उसका ही अगर गला घोट दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आप जितना ज़्यादा दिल्ली में इन्वेस्ट करोगे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा दिल्ली और प्रोड्यूस करके देगी, और टैक्स देगी आपको, आपकी और तरक्की होगी। आप दिल्ली में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, दिल्ली का गला घोट दोगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा, कल बजट में केंद्र सरकार ने देश के जितने नगर निगम हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, छोटे बड़े जितने नगर निगम हैं, सारे नगर निगमों को पैसा दिया पूरे देश में, केवल दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं दिया। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, आपका दिल्ली के लोगों से क्या दुश्मनी है आपकी, केवल दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं दिया, बाकी पूरे देश के सारे नगर निगमों को पैसा दिया, आप बजट उठा के देख लो। सर एक सवाल है, खबर आ रही है ईडी के चार्जशीट पे, उसमें ईडी ने दावा किया है कि जो लिकर स्कैम था दिल्ली का, उसके किकबैक्स को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था, ये चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है। ईडी की कितनी चार्जशीट, अभी तक 5,000 चार्जशीट फाइल की होंगी ईडी ने अपने पूरे इस सरकार के कार्यकाल में, उसमें से कितने लोगों को सजा हुई? ईडी की सारे केस फर्जी हैं, ईडी के केस केवल सरकारें गिराने और सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडी के केसेस, ईडी जो है भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए थोड़ी केस करती है, ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल कर किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक कोरा फिक्शन है। थैंक यू।